नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व और मैं स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार अपने चैनल पर। और आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले बोट ब्लास्ट 1300 BHK। करते हैं उसको अनबॉक्स, देखते हैं क्या है खास फीचर्स इन्हीं हेडफोन के और इनकी कीमत जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पैकेज जो है मैंने अमेजोन से मंगाया है, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू। रखते हैं इनको साइड में। तो यहाँ पे हमें बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और सामने की तरफ भी कुछ स्पेसिफिकेशंस दे रखे हैं, जैसे कि लाइट वेट एंड कंफर्टेबल है ये, कंट्रोल म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं आप इसमें और कॉल मैनेज कर सकते हैं आप इससे, एडजस्टेबल है ये, आप ऊपर नीचे अपने साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बोल्ट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और वायरलेस ऑन ईयर हेडफोन्स है, ओवर द ईयर हेडफोन्स नहीं है, मतलब ये आपके कान के ऊपर आएंगे, आपके कान को कवर नहीं करेंगे पूरी तरीके से। और अगर हम पीछे की तरफ आ जाए तो यहाँ पे भी हमें कुछ स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है, जैसे कि वायरलेस वर्जन 5.0 सपोर्ट करता है, मतलब ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो ट्रांसमिशन रेंज है वो 10 मीटर है, और मतलब अगर आप एक ही कमरे में हैं तो काफ़ी अच्छा है, दूसरे कमरे तक जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप तीसरे कमरे में जाएंगे तो वहाँ पर दिक्कत शुरू हो जाती है फिर। और जो इसके ड्राइवर्स हैं वो 40 mm के हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 20 Hz से 20 kHz तक की है। इसमें डिस्टॉर्शन आपको 1% का देखने को मिल जाता है और बैटरी इसका मेन पॉइंट है, और बैटरी इसकी 600 mAh को देखने को मिल जाती है हमें, और जो कि हमें 18 घंटे का नॉनस्टॉप प्लेबैक दे देती है। यहाँ पे भी हमें कुछ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी ऊपर लिखा था 40 mm का ड्राइवर, तो यहाँ पे भी फिर 40 mm के ड्राइवर का जिक्र हो रखा है। और क्लियर साउंड विथ फुल डायनेमिक रेंज एंड रिच बेस एंड क्रिस्प मिड्स, तो मतलब बेस काफ़ी अच्छी होने वाली है इसमें और मिड्स जो होने वाले वो भी काफ़ी क्रिस्प होने वाले हैं। लाइट वेट है एकदम और काफ़ी स्टाइलिश आप देख ही सकते हैं बॉक्स पर। और 600 mAh फिर से वही दे रखा है कि 600 mAh की बैटरी लाइफ है इसमें, जो आपको 18 घंटे का प्लेबैक दे देती है। इसको भी रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर हेडफोन्स देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी बेसिक सी पैकेजिंग है ये, काफ़ी सस्ता सा मटेरियल लग रहा है। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, हेडफोन को रखते हैं साइड में। तो यहाँ पे हमें ऑक्स केबल देखने को मिल जाती है, तो मतलब ये जो हेडफोन्स हैं ये ब्लूटूथ वाले भी हैं और ये वायर्ड भी हैं, मतलब अगर आपके ब्लूटूथ में बैटरी ख़त्म हो चुकी है तो आप इसे वायर्ड भी बना सकते हैं और वायर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे माइक्रो USB की केबल दे रखी है इसे चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे छोटी छोटी पर मोटी ज्ञान की किताबें देखने को मिल जाती हैं हमें। और जब मैं इसको बुक कर रहा था तो वहाँ पे लिखा था कि इसके अंदर कुछ सरप्राइज गिफ्ट है, तो यहाँ पे हमें 3 month का गाना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है हमें, आप इसे स्कैन कर सकते हैं और हो सकता है आपको गिफ्ट अलग निकले, पर मेरे को तो यही गिफ्ट मिला है इसमें से। और 2 movie tickets देखने को मिली हमें, कोरोना वैसे ही चल रहा भाई, मूवी पता नहीं क्या सीन है इनका, कैसे देखेंगे। तो आ जाते हैं मेनली हेडफोन्स पर। तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को इनकी, बोल्ट की ब्रांडिंग है इधर, यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे हमें माइक्रो USB का पोर्ट देखने को मिल जाता है, ये आपका मल्टी फंक्शन बटन है, आप इससे म्यूज़िक प्ले पॉज कर सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाता है हमें, और यहाँ से आप म्यूज़िक को आगे कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे हमें ऑक्स का 3.5 mm का जैक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप इसको इस वाली केबल को लगा के इसे वायर्ड बना सकते हैं। तो ये एडजस्टेबल है, आप इसे अपने साइज़ के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और मेन बात, ये जो हेडफोन्स मेरे को पसंद आए हैं वो इनकी ये वाली चीज़, ये मतलब फोल्ड हो जाते हैं, अगर आप इन्हें फ्रीली ऐसे रखते हैं तो अगर इनमें फोल्डेबल वाला ऑप्शन नहीं होता तो ये ऐसे अड़ते आपके गले में, बट इसमें आप इसे ऐसे घुमा सकते हैं, उल्टा पहन लिया शायद मैंने, हाँ तो आप इन्हें ऐसे घुमा सकते हैं, तो फिर ये आपको इतना परेशान नहीं करेंगे, और आप इन्हें अगर लंबा कर देंगे तो बिल्कुल ही परेशान नहीं करेंगे आपको, मतलब थोड़ा तो लगता है भारी भारी सा, बट इतने परेशान नहीं करेंगे आपको, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पे फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लिया हमने, और हेडसेट को ऑन करने के लिए आपको ये वाला बटन जो है ये 2 सेकंड तक प्रेस करना है, और इसमें ब्लू लाइट जलने लग जाएगी, जैसे कि ब्लू और रेड लाइट जलने लग गई यहाँ पे,
और फिर आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, और ये कनेक्ट भी हो गया इतनी जल्दी। फास्ट पेयरिंग देखने को मिल जाती है आपको इसमें, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ड्यूअल पेयरिंग देखने को नहीं मिलती, आप मतलब दो डिवाइसेस से साथ साथ कनेक्ट नहीं कर सकते इसको। तो आपको पता ही चल रहा होगा इसकी आवाज कितनी लाउड है, मतलब हेडसेट के बाहर आवाज आ रही है, तो भाई समझ लो कितने लाउड होंगे। फिर तो वैसे तो मैंने इसकी टेस्टिंग पहले ही कर ली थी, बट ये जो इसमें आपको जो बेस है, मतलब ओवर पावर्ड बेस नहीं है, एकदम बैलेंस्ड है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। तो काफ़ी लोगों का रिव्यू देखा मैंने, तो वो कह रहे थे कि इसकी आवाज़ जो है वो 100% वॉल्यूम पे फटने लग जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट ईयरफोन्स आए हैं। बट एक प्रॉब्लम मेरे को मैंने फेस करी, क्योंकि मैंने अपने वर्कआउट के पर्पज से मंगाए थे, और ये हेडफोन्स भी थोड़े ढीले हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इनको टाइट भी कर दूं तब भी इनका एकदम बहुत ही ज़बरदस्त वाला फिट नहीं है, कि मतलब मैं कोई भी एक्सरसाइज कर लूँ तो ही गिरे ना। मतलब अगर मैं कुछ एक्सप्लोसिव एक्सरसाइज करूँगा, जैसे कार्डियो करूँगा, जंपिंग जैक्स करूँगा, हाई नी टैप्स करूँगा, तो चांसेस हैं कि ये गिर सकते हैं। तो अगर आप वर्कआउट के लिए इन हेडफोन्स को ले रहे हैं तो मत लेना, क्योंकि और इसमें एक और प्रॉब्लम फेस हुई मेरे को, मतलब वो ठीक हो सकती है अगर आपका फेस बड़ा है तो, बट मेरा फेस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट जो लोग का जिन लोगों का फेस काफ़ी बल्की होगा तो हो सकता है उनको ये हेडफोन्स में परेशानी ना हो, क्योंकि मेरे को थोड़े से लूज लगे, तो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इनमें। तो अगर आपका फेस थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा है, थोड़ा बल्की सा है, तो शायद आपको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। और जैसे कि ये ऑन द ईयर हेडफोन्स है, तो इनमें भी थोड़ी दिक्कत लगी मेरे को, क्योंकि आपके कानों के ऊपर बैठ जाते हैं, बट आपके जो कान है वो पूरी तरीके से सराउंड नहीं होते, पूरी तरीके से कवर नहीं होते हैं हेडफोन से, जिनकी वजह से जो बाहर की नॉइजेज होती हैं वो सारी सुनाई देती हैं आपको, और इसकी नॉइज़ भी बाहर जाती है अगर आप फुल वॉल्यूम पे सुन रहे हैं तो। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा प्लास्टिक लगा हुआ है यहाँ पे, और लेदर के कुशंस दिए हुए हमें। साउंड क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है, फेस भी बैलेंस्ड है एकदम, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा। और बट सब कुछ अच्छा होने के बावजूद, साउंड अच्छा होने के बावजूद और बिल्ड क्वालिटी अच्छे होने के बावजूद, इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि इसके फिट की, मतलब फिट अगर आप बहुत देर तक इसे लगा के रखेंगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये एकदम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो बस वहीं पे इसके मार्क्स कट हो जाते हैं। और एक बंदा जब एक हेडफोन्स मंगाते हैं, चाहे उसकी साउंड में वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, बट वो फिट में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको एक हेडफोन चाहिए, अगर आप मूवी देख रहे हो 2 घंटे की और 1 घंटे में आपको दर्द हो जाए तो क्या मज़ा आएगा फिर आपको। तो बस ऐसी ही कहानी इन बोल्ट के हेडफोन्स की। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब भी कर देना इस चैनल को। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय। Someone new, baby.